हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक क्लास असेसमेंट के मार्क्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि हमें इस डेटा को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। और इसी डाटा से रिलेटेड हमें कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, फाइंड द एरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम इस डाटा को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस टेबल में हमने यहाँ पर तीन कॉलम बनाए हैं स्टूडेंट्स, मार्क्स, टेरी मार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स के इस डेटा में कौन कौन से मार्क्स हमें दिए गए हैं। तो अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो सबसे छोटी वैल्यू जो आपको नजर आएगी वो यहाँ पर 1 नजर आएगी। तो हम यहाँ पर मार्क्स में सबसे पहले लिखेंगे 1। 1 के बाद यहाँ पर जो उससे अगला नंबर नजर आ रहा है वो है 2। तो 1 के बाद यहाँ मार्क्स वाले कॉलम में हम लिखेंगे 2। 2 के बाद उससे नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 3। तो यहाँ पर हमने लिखा 3। 3 से अगला नंबर इस डेटा में कौन सा नजर आ रहा है, 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4। 4 के बाद इस डेटा में जो अगला नंबर है वो है 5। तो यहाँ 4 के बाद हम लिखेंगे 5। इसके बाद 5 से बड़ा नंबर इस डेटा में कौन सा नजर आ रहा है, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 6। और 6 से अगला जो बड़ा नंबर हमें यहाँ पर इस डेटा में नजर आएगा वो है 7। तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद हमने लिखा 7। और 7 से बड़ा नंबर जो इस डेटा में है वो है 8। तो यहाँ पर 7 के बाद हम लिखेंगे 8। और 8 से बड़ा नंबर कौन सा हमें यहाँ पर दिख रहा है, 8 से बड़ा नंबर यहाँ पर है 9। तो 8 के बाद हम मार्क्स वाले कॉलम में लिखेंगे 9। तो इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स के इस डेटा में 1 से लेकर 9 तक नंबर है, इसमें 0 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो 1 से लेकर 9 तक हमने यहाँ पर मार्क्स वाले कॉलम में ये लिख दिया है। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि इन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हुआ या कोई नंबर कितनी बार आया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 इस डेटा में कितनी बार आया है। अगर आप ध्यान से इस डेटा को चेक करें तो 1 सिर्फ एक बार आया है। तो जो 1 मार्क्स है उसके आगे फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और टैली मार्क्स में 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से। तो 1 फ्रीक्वेंसी के लिए टैली मार्क्स में यहाँ पर हम सिंगल लाइन बनाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि 2 कितनी बार आया है इस डेटा में। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो 2 यहाँ पर एक बार आया और एक बार और आया, यानी कि टोटल 2 बार आया है। तो 2 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2। और 2 को हम टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से। तो 2 फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर हम डबल लाइन दिखाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि 3 इस डेटा में कितनी बार आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इस डेटा में 3 एक बार आया है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी 1। और 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में, सिंगल लाइन से। अब हम चेक करेंगे कि 4 इस डेटा में कितनी बार आया है। तो देखिए एक बार, यहाँ पर ये दो बार, और उसके बाद ये तीन बार। तो देखिए 4 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर हमने 3 लिखी। और 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में, तीन लाइन बनाकर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि 5 इस डेटा में कितनी बार आया है। तो देखिए 5 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो इस डेटा में जो 5 है वो 5 टाइम्स आया है। तो 5 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी हमने लिखी 5। और 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में, देखिए इसके लिए पहले हम 4 लाइन्स यहाँ बनाएंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, और ये फिर एक डायगनल लाइन आएगी जो इन चारों लाइंस को काटेगी। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 5 फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स में इसी तरीके से दिखाया जाता है। पहले आप चार लाइन बनाते हैं और उसके बाद पांचवी लाइन इस तरीके से डायगनल लाइन आती है जो इन चारों लाइन्स को काटती है, और इसको आप क्या काउंट करते हैं, 5। अब हम देखेंगे कि 6 इस डेटा में कितनी बार आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स 6 एक बार यहाँ पर आया, फिर ये दो बार, तीन बार, और यहाँ पे चार बार। तो 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो 6 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी 4। और 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में, चार लाइन बनाकर। अब हम देखेंगे 7 इस
डेटा में कितनी बार आया है। तो देखिए सेवन यहाँ पर एक बार आया और उसके बाद ये दो बार आया, तो सेवन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, टू। तो सेवन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी है टू, और टू को हम टेली मार्क्स में दो लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि एट इस डेटा में कितनी बार आया। तो इस डेटा को अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बार एट मिलेगा, तो एट की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन है। तो एट मार्क्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी वन, और वन को टैली मार्क्स में दिखाने के लिए सिंगल लाइन बनाते हैं। अब हम देखेंगे नाइन इस डेटा में कितनी बार आया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस डेटा में अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक बार नाइन मिलेगा, सिर्फ एक ही बार नाइन है। तो नाइन की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन, और वन को टैली मार्क्स में कैसे दिखाते हैं, सिंगल लाइन से। तो इस तरह से हमें जो डेटा दिया गया था, हमने उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो क्या है, नाइन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नाइन। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आप मार्क्स में चेक कर सकते हैं कि सबसे लोएस्ट नंबर है वन। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट का आंसर होगा वन। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, इस डेटा की रेंज क्या है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से अगर आप माइनस कर देंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को तो आपको रेंज मिल जाएगी। तो इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, नाइन, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि लोएस्ट वैल्यू क्या है, वन। तो यहाँ पर हम रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह पर हम रखेंगे नाइन, माइनस का साइन एज इट इज, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह पर हम रखेंगे वन। नाइन माइनस वन एट होता है, तो इस डेटा की जो रेंज है वो क्या आ गई है, एट। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड द एरिथमेटिक मीन, यानी कि हमें इस डेटा का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। एरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, डेटा में जो वैल्यूज हमें दी जाती हैं उन्हें ही हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में डेटा में जितनी भी वैल्यू हमें गिवन थी वो सब वैल्यूज यहाँ पर हमने ऐड कर दी, क्योंकि हमें इनका सम चाहिए। और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, अपॉन में आना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम काउंट करेंगे ये ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। तो यहाँ पर अपॉन में हमने लिखा ट्वेंटी। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा हंड्रेड, और अपॉन में क्या है, अपॉन में ट्वेंटी है। अब हम इस हंड्रेड और इस ट्वेंटी को सोल्व करेंगे। देखिए ये इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब न्यूमरेटर में है टेन और डिनोमिनेटर में है टू, टेन और टू को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही टू की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों को ही टू से काटेंगे। देखिए टू वन द टू एंड टू फाइव द टेन। तो यहाँ पर अब क्या बचा, फाइव अपॉन वन, और अपॉन में वन लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो एरिथमेटिक मीन हमें कितना मिल गया है, फाइव। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।